हमेशा ही विवादों में रहने वाला सिवान जिले का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल बिना नीट उत्तीर्ण किए 29 छात्रों के नामांकन सहित गलत तरीके से प्रिंसिपल के पद पर काबिज प्रजापति त्रिपाठी को लेकर कई बार सवाल उठा। उन लोगों का नियुक्ति एडमिशन वही लिए हैं, नियम कानून के विपरीत एडमिशन लिए हैं बिना नीट के, इसलिए उसको छुपाने के लिए ये सब। ज्ञात हो कि पिछले साल 2 दिसंबर को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल बनाए गए थे, जिसके बाद जांच कमेटी के द्वारा सिवान दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में करीब 22 घंटे तक चली जांच के बाद इस मामले में जांच कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित विश्वविद्यालय के कई वाइस चांसलर को भी इसमें दोषी बताया था और जल्द ही इसका रिपोर्ट राजभवन को सौंप कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। समय लिया गया क्योंकि इंक्वायरी भी स्पेशल टीम है राजभवन का, नेचुरली हमको ठीक से सारे कागज सब देखना था, वायरस मैंने दिया। जांच करने के बाद में आवेदन है तो हम राजभवन में लिख देंगे सारी चीज, वीडियोग्राफी और पेपर है वो अभी है। तो जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं 29 स्टूडेंट्स में एडमिशन में वो हम। लेकिन इस जांच के करीब 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहां तक कि इस जांच की रिपोर्ट को दबा दिया गया। और जब आरटीआई द्वारा भी जांच का प्रतिवेदन की मांग आरटीआई एक्टिविस्ट इंतखाब अहमद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर द्वारा की गई तो इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। लेकिन इस पूरे जांच के बाद बनाई गई रिपोर्ट, जिसको आज तक दबा कर रखा गया था, अब मीडिया के सामने आ गया है और इस रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित अन्य दोषी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जो जांच कमेटी में राजभवन को सौंपी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब जांच कमेटी ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों की खिलाफ रिपोर्ट बनाकर राजभवन को सौंप दिया तो फिर इस रिपोर्ट को आज तक किसके इशारे पर दबा कर रखा गया था और दोषी आज तक बचे रहे? क्या इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करेंगे? और सिलसिलेवार तरीके से जानिए रिपोर्ट में उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने क्या लिखा था। पहला, उपयुक्त गठित जांच समिति ने माननीय कुलपति तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में दिनांक 16/9/2022 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय तथा दिनांक 12/10/2022 को दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जांच किया। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ एवं कागजात तथा अन्य अभिलेखा के जांचोपरांत जो बात और साक्ष्य प्रकाश में आए वो निम्न है। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में संकाय प्रमुख बनाया गया, जो विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध है। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी संकाय प्रमुख बनाए जाने की योग्यता नहीं रखते हैं। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी सेवानिवृत्त होकर कैसे 67 वर्ष के आयु के बाद संविदा नियोजन पर कार्य कर रहे हैं? शासी निकाय कैसे विगत फरवरी में 70 वर्ष के उम्र तक सेवा विस्तार दिया है? जांच के क्रम में पाया गया कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के सर 2019-20 के छात्रों का परीक्षा फल कुलपति द्वारा सुनियोजित ढंग से दिनांक 16/4/2022 को ही तत्कालीन परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर विनय कुमार की मिली भगत से प्रकाशित किया गया था। खानापूर्ति के लिए दिनांक 19/4/2022 को परीक्षा समिति में इसे प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रति कुलपति ने अपने लिखित आपत्ति दर्ज कराई, परंतु कुलपति के बिना लिखित आदेश के ही परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया, जिसे कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने स्वीकार किया है। 29 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होना चाहिए था। यह आश्चर्यजनक है कि 2/9/2019 से 5/10/2019 तक उन्होंने बिना नीट पास किए 29 छात्रों के नामांकन महाविद्यालय में बिना रसीद नंबर ही दिए ले लिया था, जिसकी सूचना NCISM न्यू दिल्ली दरभंगा एवं राज्य सरकार से भी छिपाई गई है। प्रथम दृष्टया यह एक धोखाधड़ी का कार्य प्रतीत होता है एवं निश्चित ही दिनांक 20/2/2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के बाद छात्रों का नामांकन लिया गया। अतः कुलपति धारा 10 के विभिन्न उपबंधों में प्रदत्त अपने अधिकारों का उचित प्रयोग न करने चलते महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने
एवं 30 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का दोषी मानते हुए जांच समिति माननीय महामहिम ने अपने स्तर से ऐसे कुलपति के विरुद्ध दंडनात्मक कार्रवाई के लिए निर्णय लेने हेतु प्रतिवेदन करती है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के वर्तमान प्रधानाधीक्षक डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, शशि निकाय के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों सहित तथा लेखा सहायिका एवं नामांकन प्रभारी को 29 अवैध छात्रों के नामांकन में संलिप्तता को देखते हुए इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त निलंबित करने के साथ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करती है। साथ ही प्रधानाचार्य की योग्यता नहीं रहते हुए भी प्रधानाचार्य के पद पर बने रहने, वेतन प्राप्त करने एवं अन्य सुविधा प्राप्त करने एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के एवज से उन्हें वसूली करने की भी अनुशंसा करती है। जांच समिति इस बात की भी अनुशंसा करती है कि महाविद्यालय के शासी निकाय को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए तथर्थ समिति बनाई जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब उच्च स्तरीय जांच समिति ने दोषियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा अपने रिपोर्ट में कर दी थी, फिर आज तक इस रिपोर्ट को किसके इशारे पर दबाया गया? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इस खबर के सामने आने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के राज्यपाल इस पर संज्ञान लेने और दोषियों पर कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे, या मंगल पांडे के सहयोगी संजय पांडे, जो इस कॉलेज के शासी निकाय के सचिव भी है, के प्रयास से इस मामले की लीपापोती कर दी जाएगी? चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।